नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि 2022 के बारे में, पूरा ट्यूटोरियल, पूरा बात करेंगे, पूरा विवरण आपको देंगे और आपको बताएं इनकी कब से शुरू हो रही नवरात्रि, आवाहन कब करें, विसर्जन कब करें, पारण कब करें, इस पर पूरा चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ही जैसे धार्मिक दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए 2022 में यह नवरात्रि जो है इस बार 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है। बात करें आवाहन की तो माता जी का आवाहन आप पूरे दिन आराम से कर सकते हैं सुबह से लेकर के, क्योंकि पूरा दिन प्रतिपदा तिथि है, शाम को 7-7:30 बजे तक है, आराम से करिए। इसके बाद सारी तिथियां क्रम बाई क्रम एक एक करके एक एक दिन में है, रात्रि में सारी तिथियां समाप्त हो रही हैं, 9 दिन की पूरा नवरात्रि है। अब हम सीधे बात करते हैं अष्टमी तिथि की, तो सप्तमी जो है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती के दिन है, और अष्टमी जो है वह 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को है। जो भी अष्टमी और प्रतिपदा का व्रत रहते हैं वो लोग इस दिन रहेंगे सोमवार के दिन। बात करें नवमी की तो नवमी तिथि अपनी 4 अक्टूबर को है। आपको बताएं नवमी इस बार दिन में 1:33 यानी कि 1:30 बजे तक लगभग नवमी तिथि है। इस दिन हमको हवन करना है और इसी दिन हमको पारण करना है। जो लोग तिथि के अनुसार व्रत रहते हैं वो नवमी के चतुर्थ चरण और दसवीं के पहले चरण में पारण कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप 4 अक्टूबर को शाम तक 7-8 बजे तक भी आराम से पारण कर सकते हैं, क्योंकि दसवीं का प्रथम चरण ही रहेगा। आराम से पाठ हवन करके उसके बाद विसर्जन करें, फिर पारण करें। हालांकि आपको मंत्रों से आज विसर्जन कर देना है, क्योंकि कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग मंगलवार को विसर्जित नहीं किया जाता है, इसलिए आपको मंत्रों से आज विसर्जन कर देना है। और दूसरे दिन यानी कि 5 अक्टूबर बुधवार को आपको ले जा करके विसर्जित कर देना है। इस प्रकार से ये नवरात्रि का विवरण था। यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने YouTube चैनल गोपाल पंडित जी से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, धन्यवाद, जय श्रीमन्नारायण।